तुम्हारी आँख खुली रहती है, लेकिन बड़ा अद्भुत सत्य है कि खुली आँखों के बावजूद तुम नींद में सोए रहते हो, गहरी नींद में रहते हो। आंखें खुली हैं, नींद में हो, आंखें खुली हैं, सोए हो। एक ही उपाय है, एक छोटी सी साधना देता हूँ। क्या? जो भी काम करो उस समय पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दो, वह कृत्य आपके जीवन में धीरे धीरे आनंद पैदा करने लगेगा। लेकिन ये काम आसान नहीं है, शुरू करेंगे प्रारंभ में कठिनाई आएगी, होशपूर्ण होना चाहेंगे लेकिन क्षण भर में होश भंग हो जाएगा, इधर उधर भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब से पैदा हुए हो तब से तुम्हारी आदत है बेहोशी में जीने की, और इसी जीवन में ही नहीं, इसके पहले भी जो जो जीवन आपने जिया है उसमें भी ऐसे ही बेहोशी में जीते रहने की आदत रही है, इसलिए होश को तुरंत साध पाना कठिन होगा। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा शुरू करो। जैसे प्रातःकाल सोकर उठते हो, एक संकल्प ले लो, प्रातःकाल सोकर उठते ही, कोई 6 बजे उठता है, कोई 6:30 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, जब भी सोकर उठते हो उससे मेरा कोई विरोध नहीं, जब भी सोकर उठो, और 3 घंटे का संकल्प ले लो कि सोकर उठने के बाद 3 घंटे मैं जो भी काम करूँगा उस हर काम को होशपूर्वक करूँगा। छोटे छोटे 10-20-25-30 काम करते होंगे आप, कभी पानी पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? चाय पीते हैं आप लोग। अब आपने संकल्प किया कि हम 6 बजे उठेंगे तो 3 घंटे हम साधना करेंगे। किस चीज़ की? होशपूर्ण जीवन जीने की साधना। ये धर्म का प्राण है, धर्म का सार है। आप इस साधना को करो, गीता कुरान बाइबल सब तुम्हारे भीतर उतर जाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। कृष्ण का जीवन क्या है? जागा हुआ जीवन। बुद्ध का जीवन क्या है? जागा हुआ जीवन। महावीर का जीवन क्या है? जागा हुआ जीवन। और वो जागा हुआ जीवन तुम्हें भी उपलब्ध हो सकता है। कैसे? एक छोटा सा उपाय बता। प्रातःकाल सोकर उठो, हर व्यक्ति लगभग चाय पीता है। चाय पीते समय एक एक घूंट चाय का ऐसे पियो कि चाय के स्वाद के अलावा और किसी दूसरे चीज़ पर तुम्हारी चेतना जाए ही नहीं, तुम्हारा होश चाय के स्वाद पर केंद्रित हो जाए। जितनी देर चाय का प्याला तुम्हारे हाथ में हो उतनी देर सारी ऊर्जा चाय के स्वाद पर केंद्रित हो जाए। आप एक बार ऐसा करके देखो, चाय का स्वाद 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और चाय तुम रोए रोए से पियोगे, तुम्हारा रोआ रोआ चाय का स्वाद लेगा। अभी भी चाय वही पीते हो, लेकिन चाय को अगर होशपूर्वक पीने की कला का अभ्यास करो तो बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। वो अंतर तुम अपने प्राणों से अनुभव कर सकते हो, अनुभव करके देखो। ऐसे 3 घंटे के लिए जो भी कृत्य करो, मैं कुछ नहीं अलग से कह रहा हूँ कि ये करो या वो करो, जो भी करते हो, भगवान बुद्ध कहते हैं जो भी कृत्य करो उसी को होशपूर्वक कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान में हो जाएगा।